education.com में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डुअल कन्वर्टर देख रहे हैं। डुअल कन्वर्टर के अंदर हम लोग आइडियल कन्वर्टर को डिस्कस किए थे, उसके अलावा बहुत सारे टाइप्स को देखे थे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड और सर्कुलेटिंग करंट मोड। तो इसको जानने से पहले एक बार हम लोग देख रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि यहाँ पर जब आइडियल कन्वर्टर की बात करते हैं तो अल्फा वन प्लस अल्फा टू, इसके लिए जो इक्वल वोल्टेज होने का जो कंडीशन है वो है अल्फा वन प्लस अल्फा टू का वैल्यू होना चाहिए 180 डिग्री। अगर हमारा ये दोनों कन्वर्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर इन दोनों का जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है वो इक्वल होता है और साथ में दोनों का पोलैरिटी भी सेम होता है। लेकिन ये जो कंडीशन था वो था सिर्फ और सिर्फ एवरेज वैल्यू के लिए, ठीक है। तो फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू का क्या होगा? एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस वैल्यू दोनों कन्वर्टर का कभी भी इक्वल नहीं होता है। इसको हम लोग इस वेव फॉर्म से आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर वेव फॉर्म दिखाया गया है, ए थ्री फेज डुअल इन्वर्टर के लिए, कन्वर्टर के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस इन दोनों का एवरेज इक्वल है, ठीक है। वी जीरो वन और वी जीरो टू, ए वी जीरो वन होगा, ए वी जीरो टू होगा, दोनों का जो एवरेज वैल्यू है वोल्टेज का वो इक्वल है। पर अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें तो यहाँ पर ए मैक्सिमम है, ए जीरो है, उसी तरह से यहाँ पर ए जीरो हो जा रहा है या फिर ए मैक्सिमम हो रहा है। इसके वजह से क्या होता है कि इस ब्रांच से होकर के इन दोनों के बीच करंट हमेशा सर्कुलेट करते रहता है। अब इससे बचने के लिए दो तरीका है। पहला तो तरीका है यहाँ पर हम लोग इंडक्टर लगा सकते हैं, और दूसरा तरीका है अगर इंडक्टर नहीं लगाए तो फिर बारी बारी से दोनों को ऑन ऑफ करना होगा। तो ये दोनों डिफरेंस आता है सर्कुलेटिंग करंट मोड और नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड के। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड का, ठीक है। तो नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड में एक्चुअली यहाँ पर होता है इंडक्टर, इंडक्टर को हम लोग ना रख करके इसको डायरेक्ट शॉर्ट करके रखते हैं, ठीक है। नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड में ये दोनों शॉर्टेड रहता है, पर वो जो हाई सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कर रहा है उससे बचने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं कि एक टाइम में किसी एक कन्वर्टर को ही ऑन रखते हैं। अगर इसको हम लोग ऑन करके रखें तो फिर इसको ऑफ करके रखना होता है, और दोनों के ऑन ऑफ के बीच का जो डिफरेंस होता है वो करीब 10 to 20 मिली सेकेंड होता है, ठीक है। 10 to 20 मिली सेकेंड दोनों के बीच का ऑन ऑफ का डिफरेंस रखा जाता है। मतलब कि अगर ए ऑन है तो इसको ऑन करने से पहले देखा जाता है कि ये ऑफ हुआ कि नहीं हुआ। जब ए ऑफ हो गया तो ऑफ होने के 10 से 20 मिली सेकेंड के अंदर इसको फिर ऑन किया जाता है। तो इस बेसिस पर हम चाहे तो इस करंट को लोड में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग कंटिन्यूअस या फिर नॉन कंटिन्यूअस बना सकते हैं। तो ये दोनों तरह से ऑपरेट करता है, कंटिन्यूअस मोड में भी और नॉन कंटिन्यूअस मोड में भी। लेकिन यहाँ पर एक डिसएडवांटेज होता है, अगर 10 से 20 मिली सेकंड हमको ऑफ करना पड़ रहा है या ट्रिगर करना पड़ रहा है या फिर कंट्रोल सर्किट लगाना पड़ रहा है जो मतलब इस डिफरेंस पर इसको ऑन ऑफ करता रहे, तो ये इस डुअल कन्वर्टर का एक डिसएडवांटेज हो जाता है। और अगर हम बात करें अब नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड का, तो नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड में इस तरह के सर्कुलेटिंग करंट से बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक इंडक्टर लगा देते हैं जो कि आईएस 2005 में पूछ भी चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं, इस फिगर को समझते हैं। यहाँ पर हम लोग, ये मेरा कन्वर्टर वन है, कन्वर्टर टू है, तो यहाँ से जो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा इन दोनों के डिफरेंस की वजह से जो एवरेज वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है, और इस एवरेज वोल्टेज डिफरेंस की वजह से जो करंट फ्लो करेगा उससे बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर इंडक्टर लगा देते हैं। अब इंडक्टर लगाने से होता क्या है, इंडक्टर चेंज इन इन करंट को अपोज करता है, ठीक है। इंडक्टर चेंज इन करंट को अपोज करता है। अब हमको यहाँ पर 10 से 20 मिली सेकेंड जो ऑन उसमें ऑफ रखना पड़ रहा है, अब उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। अब आसानी से जब करंट, क्योंकि ये चारों मोड में काम करता है, ठीक है, चार ऑपरेशन में वर्क करता है डुअल कन्वर्टर, तो ऑब्वियसली करंट को बार बार इंटरचेंज करने की जरूरत भी पड़ सकता है। तो जब उसमें जरूरत पड़ेगा तो उसमें हम लोग को किसी अदर सर्किट की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। लोड में करंट को रिवर्स करने के लिए किसी तरह के अंदर सर्किट की जरूरत नहीं पड़ेगा, और एक काफी ज्यादा फास्ट और स्मूथली आसानी से किया जा सकता है इस इंडक्टर के थ्रू। अभी इस इंडक्टर का कुछ डिसएडवांटेज भी है, अब उस डिसएडवांटेज को भी हम लोग समझ लेते हैं। फायदा तो ये हो गया, फास्ट ऑपरेशन हो रहा है, चारों क्वाड्रेंट में फास्ट ऑपरेशन होगा। 10 से 20 मिली सेकंड जो रुकना पड़ रहा था वो अब टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, रुकना नहीं पड़ेगा। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है वो है सबसे पहले कॉस्ट, इंडक्टर का जो कॉस्ट हो जाता है वो इसके साथ ऐड हो जाता है। उसके अलावे ये सर्कुलेटिंग करंट को लिमिट तो करता है पर पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाता है, और उस सर्कुलेटिंग करंट की वजह से कन्वर्टर के अंदर हाई लॉस होता है, ठीक है। अब लॉस हाई होगा तो वहां पर फिर पावर फैक्टर डिक्रीज कर जाता है। वहीं अगर हम सर्कुलेटिंग करंट मोड की बात करें, सॉरी नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड की बात करें, तो वहां पर बारी बारी से हम लोग एक एक को ऑन ऑफ कर रहे थे, वहां पर सर्कुलेटिंग करंट कुछ था ही नहीं, पर यहाँ पर कुछ कम तो हो जाता है पर थोड़ा बहुत जरूर होता है, जिसकी वजह से हम लोग को काफी ज्यादा लॉस उठाना पड़ता है, हाई लॉस होता है पावर का, और साथ में
पावर फैक्टर डिक्रीज कर जाता है। उसके अलावे इस सर्कुलेटिंग करंट की वजह से, क्योंकि अब लोड करंट के साथ साथ सर्कुलेटिंग करंट भी कैरी करना पड़ रहा है, तो थायरिस्टर जो है या फिर एससीआर जो है उसका रेटिंग हाई हम लोगों को लेना पड़ता है, मतलब हाई रेटेड थायरिस्टर यहाँ पर यूज होता है, तो ये कुछ इसका डिसएडवांटेज है। उसके अलावा अगर हम अप्लीकेशन की बात करें, इसका अप्लीकेशन होता है डीसी मोटर के स्पीड और डायरेक्शन कंट्रोल के लिए, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल जो डीसी ड्राइव होता है वहां पर इसका यूज करते हैं, जहां पर स्पीड को बार बार वेरी करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक जान लें सर्कुलेटिंग करंट मोड और नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड का। अब हम लोग आगे देखेंगे सर्कुलेटिंग करंट मोड के डिफरेंट जो वेवफॉर्म्स होते हैं और इसके लिए जो करंट का जो डेरिवेशन आता है उसका इक्वेशन, और उसे उसके रिजल्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे ताकि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पर जो थर्ड न्यूमेरिकल था उसी डेरिवेशन पर बेस्ड है, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी ये जो दोनों क्वेश्चन है इन दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला था इन ए डुअल कन्वर्टर द सर्कुलेटिंग करंट, ठीक है। सर्कुलेटिंग करंट क्या करता है, अलाउ स्मूथ रिवर्सल ऑफ लोड करंट। ये बिल्कुल सही है, जब हम लोग इंडक्टर लगा देते हैं सर्कुलेटिंग करंट मोड में क्या होता है, इंडक्टर लगा होता है, और इंडक्टर लगने से क्या होता है, स्मूथ रिवर्सल होता है, चारों क्वाड्रेंट में हम लोग आसानी से अपना काम कर सकते हैं, लोड में जो करंट होता है उसको रिवर्स करना काफी आसान हो जाता है। यहाँ पर सेकंड है बट इंक्रीजेस द रिस्पॉन्स टाइम, नहीं रिस्पॉन्स टाइम नॉन सर्कुलेटिंग मोड में ज्यादा होता है, तो ये तो ऑप्शन मेरा गलत हो गया। वहां पर 10 से 20 मिली सेकंड लग जाता है, पर सर्कुलेटिंग करंट मोड में ये 10 से 20 मिनट नहीं लगता है रिस्पॉन्स टाइम। सेकंड ऑप्शन है अलाउ स्मूथ रिवर्सल ऑफ लोड करंट, सही है, विथ इंप्रूव्ड स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, तो ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है डज नॉट अलाउ स्मूथ रिवर्सल, गलत। उसके बाद नेक्स्ट फ्लो इफ देयर इज नो इंटरकनेक्टिंग, यहाँ पर इंटरकनेक्टिंग इंडक्टर दिया है तो ये मेरा गलत हो जाएगा। इंटरकनेक्ट ये जो इंडक्टर है वो नॉन सर्कुलेटिंग मोड में नहीं होता है, यहाँ पर इंडक्टर का यूज होता है, और यहाँ पर दिया है फ्लो देयर इज नो इंटरकनेक्ट इंडक्टर, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था ये है द सर्कुलेटिंग करंट इंडक्टर इज रिक्वायर्ड इन डुअल कन्वर्टर, डुअल कन्वर्टर में इंडक्टर किस लिए लगा होता है, तो पहला ऑप्शन इंप्रूव द पावर फैक्टर, गलत, लॉस की वजह से पावर फैक्टर क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। सेकंड है स्मूथन द वेव फॉर्म ऑफ सर्कुलेटिंग करंट, थर्ड है लिमिट द सर्कुलेटिंग करंट, तो ए लिमिट द सर्कुलेटिंग करंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीज द सर्कुलेटिंग करंट, ये भी गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी।